देख रहे हैं यहाँ से पूरी घाट आप देखेंगे यहाँ तक पूरे शिव ब्रिज तक पूरे भीड़ भीड़ी भीड़ हर एक घाट पे आपको भीड़ देखने को मिलेगा। पूरे घाट हाउसफुल हो रखे हैं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है हरिद्वार यात्रा से जुड़ी। और जब आप हरिद्वार आते हैं तो आपको कुछ चीज़ें जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि अब जो है आपको पूरे महीने भीड़ देखने को मिलेगा। और साथ में जब हरिद्वार आते हैं तो छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। और देखेंगे पूरे और घाटों का दृश्य। पूरे घाट में फूल रखे हैं। हाय दोस्तों, हरे रंगे नमामि गंगे, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पे। देख रहे हैं घाटों पे श्रद्धालुओं की संख्या कितनी ज्यादा है सारे, और आपको श्रद्धालुओं की संख्या स्नान करते हुए नजर आएंगे। ये महिला घाट है, महिला घाट यानी यहाँ पे आपको चेंजिंग रूम मिलेगा महिला घाट का। ये है तीन चार चेंजिंग रूम वहाँ पे है, और इस एरिया में केवल वहीं पे ही आपको चेंजिंग रूम मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा चेंजिंग रूम अभी कहाँ पर मिलेंगे ये हम आपको बताएंगे। जब भी हरिद्वार आते हैं आप तो छोटी छोटी बातें जैसे कि यहाँ पर रूम को लेके और स्नान कहाँ पे करें, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से स्नान कर सकें। चेंजिंग रूम अभी हम आपको दिखाएंगे, सबसे ज़्यादा चेंजिंग रूम कहाँ पर बने हुए हैं। जब आप आते हैं तो पॉलीथीन देख रहे हैं यूज़ करें, लेकिन कपड़े पॉलीथीन को डस्टबिन में छोड़ दे, घाटों पे ऐसे ना छोड़े। देख रहे हैं किस तरह से तैराकी करते हैं यहाँ पे। काफ़ी सारे लोगों को तैरने आता है और काफ़ी सारे लोगों को तैरने नहीं आता, उन्हें दिक्कत हो जाती है। देख रहे हैं इधर की बात क्या, पूरा भीड़ है सारे, और श्रद्धालुओं की संख्या आपको देखने को मिलेगा भीड़ वाली। ये सामने आपको चेंजिंग रूम क्रम से बने हुए नजर आएंगे, कहाँ से आपको मैं दिखाऊंगा। लास्ट जो खंबा दिखाई दे रहा है, खंबा से भी आगे यानी ब्रिज जो ध्वज ब्रिज दिखाई दे रहा है, वहाँ से क्रम सा जो चमकते हुए नजर आ रहे हैं वो सारे चेंजिंग रूम है। पूरे मालवी घाट पे चेंजिंग रूम है। देख रहे हैं पूरे घाट फूल है यहाँ पे। इधर की बात कहें या फिर इधर की बात कहें या फिर इधर की बात कहें, सबसे ज्यादा श्रद्धालु उधर से आ रहे हैं आज। ये है परंजी पार्किंग से आने का मार्ग। देख रहे हैं लालू के संख्या। अब आपको ऐसा दृश्य है पूरे हफ्ते देखने को मिलेगा, और जब भी आप हरिद्वार आते हैं तो ध्यान रखें आपको जो कीमती सामान है वो अगर लाते हैं घाटों पे तो सावधानी पूर्वक रखें। बच्चे हैं आपके साथ तो बच्चों का ध्यान रखें। देख रहे हैं पूरे घाट फूल है यहाँ पे, इस तरह का दृश्य अनहोनी होती रहती है।
देख रहे इधर से श्रद्धालु की संख्या आ रही है, भीड़ काफी ज्यादा है और इधर से भी लोगों की संख्या देख रहे कितनी भारी संख्या में आ रही है। इधर से भी आप देख सकते हैं एक यहाँ पे योगा स्टैंड है देख रहे हैं। जब आप आएंगे भीमगुड़ा की ओर से तो अभी हम जा रहे हैं भीमगुड़ा के मार्ग की ओर। देख रहे कितने भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। एक जूता स्टॉल यहाँ पे है भीमगुड़ा की ओर से आने का मार्ग है और इधर आप जाएंगे चप्पल को निकाल के हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड की ओर और यहाँ से आप देख रहे हैं पूरे घाटों का दृश्य। देख रहे चप्पल जूता बाहर ना छोड़े यहाँ पे जूता स्टॉल बना है वहां पर रखें, बाद में आपको ढूंढने में परेशानी होगी। चलते हैं ऊपर की ओर। देख रहे हैं पूरे घाट फूल हो रखे हैं, चाहे वो इस किनारे की बात कहे या फिर इस किनारे की, दोनों ओर श्रद्धालुओं की संख्या भारी है और इधर लोगों की संख्या, चाहे वो इधर पंजी पार्किंग से लोगों की संख्या आप देख रहे हैं कितने भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। देख रहे हैं पूरे इधर से लोग हर की पैड़ी की ओर जा रहे हैं। इधर से आप जब जाएंगे तो चप्पल जूता निकाल के आना पड़ेगा, इधर चप्पल जूता लेके नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे जूता स्टैंड है देख रहे हैं, ये जूता स्टैंड है और यहाँ पे प्रमुख रूप से हर की पैड़ी में आने का अभी तीन मार्ग है। एक मार्ग तो यही है जो आपने अभी देखा, दूसरा मार्ग है जहाँ से लोग उतर रहे हैं देख रहे हैं सीढ़ी है, और तीसरा मार्ग वो है जो कि प्रमुख मार्ग है जहाँ पे दरवाजा बना हुआ बड़ा सा डोर बना हुआ है उधर। तीन मार्ग है, जब भीड़ ज्यादा होता है तो एक मार्ग इधर यहाँ पे सीढ़ी में और खोल दिया जाता है। जब आप इस वाले मार्ग से निकलेंगे तो यहाँ पे भीमगुड़ा की ओर जाने के लिए काफी सारे ऑटो आपको मिल जाएंगे देख रहे हैं। ई रिक्शे, विक्रम टेम्पो और साथ में पैड़ा रिक्शे आपको मिलेंगे जो कि आपको सीधे भीमगुड़ा ड्रॉप करेंगे। यहाँ 20 रुपये किराया है, यहाँ पे काफी सारे आपको छोटे छोटे ठेले लगे नजर आएंगे जहाँ पे आप नाश्ता कर सकते हैं। भीड़ तो सारी हो रहे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं फेमस स्टूडियो वाले। अभी हम भीमगुड़ा की ओर से आ रहे हैं तो आपको मार्ग हमने दिखा दिया दिख रहे हैं। जैसे हम नीचे की ओर आएंगे तो आपको काफ़ी सारे होटल मिल जाएंगे, धर्मशाला मिल जाएंगे और खाने पीने का ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। भीड़ आपको जैसे जैसे नीचे जाएंगे भीड़ आपको वैसे वैसे बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पे माता रानी की एक प्राचीन मंदिर है जहाँ पे लंगर लगता है, अभी जल्द से लंगर यहाँ पे चालू हो जाएगा। पहला हमने आपको दिखा दिया था, दूसरा ये निःशुल्क जूता स्टॉल है और तीसरा अभी हम आपको दिखाएंगे। देख रहे काफ़ी सारे यहाँ पे होटल है। अगर आप इस तरफ जाएंगे तो अपर रोड की ओर जा पाएंगे। यहाँ के लिए भी आपको आप देखो गाड़ी यहाँ पे हटा दिया गया, पहले यहाँ पे गाड़ी लगी हुई थी देख रहे हैं, पुलिस वाले जा रहे हैं गाड़ी हटाने के लिए। अब भीड़ ज़्यादा हो गया है ना, जैसे 9 बजे होता है बंद, अभी कितना बजे देखें, 8:40 हुआ है अभी, 8:40 हुआ, 9 बजे तक गाड़ी यहाँ से हटा देते हैं। सारे गाड़ी यहाँ से हटा दिया जा रहा है, अब रास्ते बंद हो जाएंगे।
रास्ते बंद हो जाएंगे अब आपको वहां से आना पड़ेगा कोतवाली के पास से पैदल। ये है प्रमुख द्वार जिसका दृश्य हम आपको वहां पे खड़े होकर दिखा रहे थे। ये प्रमुख द्वार है प्रवेश करने का हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड की ओर, और ये है मोती बाजार जाने का मार्ग। देख रहे भारी संख्या में लोग ये है हरिद्वार हर के पैड़ी। हमने पूरा एक राउंड पूरी घुमा दी आज आपको, वहाँ उस वाले ब्रिज में थे और ये संजय सेतु है, हमने दृश्य दिखाया था वहाँ से भी आपको। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर गंगे नमामि गंगे।